जिसे हम केला भी कहते हैं और ये बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं। इनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है। इसे खाने से हमारा डाइजेशन प्रॉपर रहता है और हार्ट हेल्थ भी नॉर्मल रहती है। वेट लॉस के लिए भी ये काफी इफेक्टिव है। तो आज हम आपको बताएंगे केला खाने के ढेर सारे फायदे। बनानास कंटेन मेनी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन। केला तो वैसे सभी खाते हैं, पर आपको पता है ये दुनिया के कई गर्म हिस्सों में ग्रो किया जाता है और बहुत सारे टाइप के केले होते हैं जिनका अलग अलग कलर, साइज और शेप होता है। और मोस्टली हरे भी देखे होंगे आपने, जो पके एक केले में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, नेट कार्ब्स, फाइबर मौजूद होता है और साथ ही 105 कैलोरीज भी होते हैं और साथ ही बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है और कोई फैट्स नहीं होते। बनानास कंटेन न्यूट्रिशंस दैट मॉडरेट ब्लड शुगर लेवल्स। केले में ढेर सारा फाइबर होता है जिसे हम पेक्टिन कहते हैं और अनराइप केला में रेसिस्टेंट स्टार्च होता है। पेक्टिन और रेसिस्टेंट स्टार्च खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और ये डायबिटिक्स वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उन पेशेंट्स को बनानास अवॉइड करना चाहिए। बनानास में इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइट्री फाइबर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है और डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। एक मीडियम साइज के केले में 3 ग्राम फाइबर होता है। वैसे केले में 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, पहला पेक्टिन जो राइप बनाना में होता है और दूसरा रेसिस्टेंट स्टार्च जो अनराइप बनाना में होता है। और बनाना आपको कोलोन कैंसर के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। बनानास में हेल्प विद वेट लॉस। वैसे तो किसी भी स्टडी में साबित नहीं हुआ है कि बनाना से वेट लॉस होता है, पर फिर भी बनाना के ऐसे कई फीचर्स हैं जो उन्हें वेट लॉस फूड में शामिल करता है। एक एवरेज बनाना में 100 कैलोरीज होती हैं और साथ ही इनमें एपेटाइट रिड्यूसिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। बनानास में सपोर्ट हार्ट हेल्थ। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है और ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। ये जानते हुए भी कई लोग अपनी डाइट में पोटेशियम शामिल नहीं कर पाते और केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बनानास कंटेन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। केले में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को डैमेज से रोकते हैं और कुछ डिजीजेस का खतरा भी कम करते हैं। और केले में डोपामाइन और कैटेकाइंस को मिलाकर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। बनानास में हेल्प यू फील मोर फुल। बनानास में रेसिस्टेंट स्टार्च और पेक्टिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जो एपेटाइट रिड्यूसिंग इफेक्ट देते हैं और आपको फुल फील करवाते हैं। केले खाने से आपको अपना पेट ज्यादा भरा हुआ लगेगा और बेस्ट पार्ट ये है कि आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अनराइप बनानास में इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन रेसिस्टेंस एक बहुत ही मेजर रिस्क फैक्टर है बहुत सारे सीरियस डिजीजेस का, इंक्लूडिंग डायबिटीज। और अनराइप बनानास इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, पर अब भी इस पर और रिसर्च होना बाकी है। बनानास में इम्प्रूव किडनी हेल्थ। पोटेशियम बीपी कंट्रोल और किडनी फंक्शन के लिए नेसेसरी होता है और केले में ये तत्व मौजूद होते हैं, तो हफ्ते में कई बार केला खाने से किडनी डिजीजेस होने के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। बनानास में हैव बेनिफिट्स फॉर एक्सरसाइज। बनाना स्पेशली एथलीट्स की बॉडी के लिए रेफर किया जाता है क्योंकि उसमें मिनरल कंटेंट्स और डाइजेस्टेड कार्ब्स होते हैं। केला खाने से एक्सरसाइज रिलेटेड क्रैम्प्स और सोननेस 95% तक कम होती है, इसलिए बनाना को एक्सरसाइज के पहले या बाद खा सकते हैं। ये बॉडी को न्यूट्रिशंस भी देता है। बनानास आर इजी टू ऐड टू योर डाइट। केले को ब्रेकफास्ट में दही, सीरियल या स्मूदी के साथ भी लिया जा सकता है। आपको केला खाने से ढेर सारे फायदे भी मिलेंगे।